घर में पड़ी गली फटी जीन्स को रीयूज़ करके उससे बना सकते हैं एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र और वॉल डेकोर, जो दोनों काम में आ जाएगा, वॉल डेकोर के भी और ऑर्गेनाइज़र के भी। जिसके लिए मैंने ये जो जीन्स की पैंट थी एक, जिसे मैंने काट लिया है, जिसके ये पॉकेट से बैक साइड के जो पॉकेट होते हैं वो भी अलग से काट के रख लिए हैं। इन पॉकेट को मैंने एज इट इज़ काटा है, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो एकदम बेकार है, उसको तो अब यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वेलकम टू माय चैनल डेकोरेट विद अनामिका। इस जीन्स का एक पार्ट लेंगे और एक पार्ट उसको अच्छे से बिछा के उस पर मैं अब एक स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी। स्ट्रेट लाइन लगा के मैं एक रेक्टेंगल जो है बना लूंगी, उसके बाद मैं इसको उस रेक्टेंगल को सीजर से काट लूंगी। सो निशान लगाने के लिए मैंने इसको उल्टा कर लिया है ताकि निशान जो है वो बैक साइड पे लगे, फ्रंट साइड पे हमें इसे गंदा नहीं करना है, इसलिए जब भी निशान लगाएं तो हमेशा बैक साइड पे ही लगाने हैं। तो इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल पीस एस्टिमेट से काट लिया है जितना मुझे चाहिए था। उसके बाद इसको ऐसे अच्छे से बिछा लेंगे। मेरा ये जो पीस है वो पूरा नहीं आ पा रहा है कैमरा में, लेकिन अब ये जो साइड में मैंने एक ये जो स्टिचिंग के लिए एक पतली सी पट्टी रहती है ना, इसको भी सीज़र से काट के अलग कर लीजिए, इसका भी यूज़ इसमें आएगा। तो अब ये जो पॉकेट थी जो मैंने निकाल के रखी थी, उन पॉकेट को मैं ग्लू हॉट ग्लू से चिपका लूँगी एक दूसरी तरफ, और इस तरह से चिपकाऊंगी ताकि देखने में भी अच्छे लगे और ये पॉकेट काफ़ी अच्छे से चिपक जाती हैं। उसके बाद ये इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, यूज़फुल पर्पज़ के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे कुछ सामान रखने के लिए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ डेकोरेटिव आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको दोनों पॉकेट को चिपका लिया है। अब ये जो है ये वो बैम्बू स्टिक है जो मैंने पुराने झाड़ू में से निकाल के रखी थी, मेरे पास अभी काफ़ी है, ख़त्म नहीं हो रही है। तो मैंने जो इसका जो शॉर्ट साइड होती है ना रेक्टेंगल की, जितना वो था तो उतने निशान पे मैंने लगा के इनको उतने ही स्टिक जो है उतनी पीस में काट ली है। तो इसको मैंने कोई नापा नहीं है कि कितने सेंटीमीटर की थी, जितना ये हो रहा था उससे ही या अब मैंने इसको हॉट ग्लू से इसको मैं बॉटम और टॉप पे चिपका लूँगी ताकि जब हम इसे हैंग करें ना तो ये एकदम स्ट्रेट हैंग हो, क्योंकि अगर बिना स्टिक के लगाएंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा और इतने अच्छे से इसका जो लुक है वो नहीं आ पाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए और इसकी जो साइड्स हैं जो धागे निकल रहे हैं उन सब को छुपाने के लिए मैं ये लेस यूज़ कर रही हूँ, वाइट कलर की लेस है। आप चाहें तो मल्टी कलर की लेस आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
कि टॉप और बॉटम पे भी मैंने ये यूज़ किया है। अब जो ये हमने स्ट्रिप काट के रखी थी ना, अब इसको हम हैंग करने के लिए यूज़ करेंगे, तो उसका जो टॉप पार्ट है उस पे हम इसे हैंगर की तरह यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से इसका फाइनल लुक है। इसे आप किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टोरेज और डेकोरेटिव। तो सेकंड DIY के लिए मैंने ये लंबी सी स्ट्रिप काट ली है। स्ट्रिप काफ़ी मतलब थोड़ी चौड़ी है और लंबी सी है ये, और इसके मैंने तीन टुकड़े जो हैं वो बराबर साइज़ के काटे हैं। तीन पीस बराबर साइज़ के हैं ये, एकदम बराबर। तो मैं अब इनको भी हॉट ग्लू गन से चिपका लूँगी। तो ये जो है वो बॉटम पार्ट चिपका रही हूँ मैं, जो कि एकदम इसके जो एंड टू एंड है ना, बिल्कुल वैसे ही चिपकाना है। मतलब ये जो छोटा पीस है और ये जो नीचे हम जो एक बॉटम पे रखा है उसके साथ, तो इसके सिर्फ 3 साइड चिपकाने हैं, ओनली 3 साइड, क्योंकि एक साइड से हमें इसे ओपन रखना है, हम पॉकेट बना रहे हैं ना। तो वैसे ही हमें एक थोड़े थोड़े गैप के बाद इन तीनों को चिपका लेना है तीनों साइड से, और जो टॉप वाला पोर्शन होगा उसको भी हम चिपकाएंगे, लेकिन उसके ऊपर टॉप पे जो होगा उसमें गैप रखना है। जो जैसे बॉटम में एकदम बॉर्डर टू बॉर्डर मैंने कनेक्ट कर दिया उनको, ऊपर वाले इसमें टॉप में वैसे नहीं करना है, थोड़ा स्पेस रखना है। तो इस तरह से ये हमारे पास तैयार है। अब इस पे भी हम जो है टॉप और बॉटम पे ये स्टिक यूज़ करेंगे। अब इसे भी थोड़ा डेकोरेट करने के लिए और इसकी जो धागे हैं साइड्स में निकले हुए उनको छुपाने के लिए मैं ये लेस यूज़ कर रही हूँ। अब बस इसे थोड़ा अच्छे से अच्छा सा लुक देने के लिए, सजाने के लिए मैं बीच बीच में ये लेस यूज़ कर रही हूँ। जैसे जो भी इसके बॉटम जो पॉकेट के सबके जो बॉटम है वहाँ पे चिपका रही हूँ, और जो इसकी ओपन वाली साइड है ना पॉकेट की, वहाँ पे मैं कुछ और चिपकाऊँगी, बीड्स चिपकाऊँगी। ये वाइट कलर के जो मोती से आते हैं ना, सेल्फ एडहेसिव होते हैं, लेकिन मैं इसे हॉट ग्लू गन से ही चिपका रही हूँ, क्योंकि बाद में अगर निकल गए सेल्फ एडहेसिव का कोई भरोसा नहीं रहता। तो और वैसे भी कपड़े पे ये पता नहीं अच्छे से चिपक पाएंगे या नहीं, इसलिए मैंने इसको चिपकाया है, हॉट ग्लू से ही चिपकाया है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी ओपन साइड है कौन सी क्लोज। तो ये एक सेपरेट करने के लिए भी काम आ गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसको भी हैंग करने के लिए इसके टॉप वाले पार्ट में मैं इसी स्ट्रिप को चिपका लूँगी। तो इस तरह से हमारा दूसरा DIY भी कंप्लीट है, जिसे आप मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कुछ सजावट के सामान रख सकते हैं या फिर कुछ काम का। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।